पीछे का नज़ारा देखिए आप मेरा, पूरा यहाँ से पूरी सिटी यहाँ से नजर आती है। और ये पूरा मानेसर है, और पीछे का इतना खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला दोस्तों, मैं हूँ राजवीर सिंह और आप देख रहे हैं हिवलवाणी। तो आज आए हम मानेसर में एक वीडियो की शूटिंग करनी है। दोस्त रोमी है, आपको पता है वो वीडियोस की मैंने कुछ पहले भी एक लेजर वैली पार्क की वीडियो डाली थी, तो उसकी कुछ और वीडियोस हमें शूट करनी है, तो उसके लिए आए थे। तो पीछे मानेसर का एक पार्क है IMT चौक पर, बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा पार्क है। आप यहाँ के नज़ारे आपको दिखाएँगे पूरी वीडियो में, और पीछे की हरियाली और इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पर, पीछे के चारों तरफ इतने बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके जस्ट इस साइड आप देखेंगे ये हाईवे है, जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, और इस साइड ये पूरा पार्क का है। अभी इस पे काम चल ही रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी पहले मैं आया था तो पूरा बेकार सा जंगल सा बना हुआ था, बट अब काफ़ी अच्छा कुछ खूबसूरत सा बना दिया इन्होंने। अब चारों तरफ हरियाली और ये फूल वगैरह लगा रहे हैं, और सामने वो देखिए आप, ये है जन नायक ताऊ देवीलाल जी, और सामने वहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग करनी है अभी, और एक जगह पर और करी थी, और ये सामने इतना बहुत ही अच्छा बहुत सारे पेड़ वगैरह लग रहे। तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ ये पार्क है, और ये हमारा कैमरा और ट्राइपॉड लेके वो चला गया दोस्त, और वीडियो अभी आगे वहाँ पे शूट करनी है। अभी जो ताऊ देवीलाल जी की स्टैचू दिखाया था वहाँ पे, और चारों तरफ आप मेरे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर पार्क आपको घुमा देता हूँ, और पीछे के पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। ये यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, और उधर से घूम के आए हैं जस्ट हाईवे की तरफ से, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ पे पानी वगैरह रखा नहीं है उन्होंने। पीछे हीरोज कॉर्पोरेट की बिल्डिंग है, और ये पीछे की तरफ देखेंगे आप ताऊ देवीलाल जी का स्टैचू, काफ़ी बड़ा है ये रखा हुआ है इस पर। ये मानेसर का ऑटो स्टैंड है, आप सामने देखेंगे, और पूरी मार्केट है सामने की तरफ, और ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, और ये IMT चौक से ज़्यादा दूर का एरिया नहीं है। IMT चौक यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, और ये मेन हाईवे है जयपुर एक्सप्रेसवे, और ये पूरी इधर मार्केट है IMT मानेसर की मार्केट है। इधर स्वीट शॉप वगैरह काफ़ी सारी दुकानें, और शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है मार्केट में, आप देख सकते हैं काफ़ी मेन हाईवे की तरफ है। और ये मार्केट इधर की तरफ है, कासन की तरफ रोड जाता है, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। शाम के टाइम इस मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती,
अभी तो सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे की काफ़ी लंबी मार्केट है और बहुत आगे तक यहाँ पे काफ़ी जो आसपास की कंपनियाँ हैं मानेसर में, एमटी मानेसर में, सारे लोग इधर जो बाहर से आए हुए लोग हैं वहाँ पे रेंट पे रहते हैं, रेंट के कमरों पे। और काफ़ी शाम के टाइम में पूरे यहाँ पे शॉपिंग करने निकलने तो काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। और अभी हम वहाँ पे शूट किया था कुछ आधे का गाने का, तो अभी आगे यहाँ पे पहाड़ी है, आगे की तरफ पहाड़ी पे बाकी का गाना रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा जब कासन वाले रास्ते से थोड़ा सा हम लेफ़्ट मुड़ते हैं तो जाके ये पहाड़ी का रास्ता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ रास्ता है और वो आगे चल रहे हैं। और ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी ऊँचाई है से, और काफ़ी अच्छी जगह पर ऐसे पहाड़। शाम के टाइम लोग अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स होके और अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करने भी आते हैं। और बाकी वीकेंड के दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। एक ये पहाड़ी और एक सामने कासन भोले बाबा मंदिर, हमने वीडियो डाल रखी है वहाँ की, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग, वहाँ पे तो मंदिर भी है तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगती है। थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने के बाद ही थोड़ा सा सांस चढ़ने लग गए हमारे। और पीछे का नज़ारा आप देखिए, ये कासन, उधर कासन गाँव है सामने की तरफ, और इधर पीछे बिल्कुल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दिन नज़र आ रही है वो IMT मानेसर है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इंडस्ट्रियल। पीछे का नज़ारा देखिए आप मेरा, पूरा यहाँ से इतना पूरी सिटी यहाँ से नज़र आती है पूरा। आप चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, पूरा का पूरा एरिया आप देखेंगे इतना खूबसूरत सा यहाँ से दिखता है। और ये पूरा मानेसर है, और ये पहाड़ के ऊपर एक यहाँ पे मंदिर सा बना हुआ है, और पूरा आगे ये पहाड़ काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये पहाड़ी आगे। और पीछे का इतना खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये पहाड़ी है, अभी हम इस पहाड़ी के ऊपर जस्ट खड़े थे वहाँ पे, और ये आप देख रहे होंगे इधर हम ऊपर की तरफ अभी वीडियो शूट कर रहे थे, और वहाँ पे खड़े थे वहाँ से नीचे का नज़ारा दिखा रहे थे। अब नीचे की तरफ हम, नीचे जो ग्राउंड ऊपर से दिखाया भी था मैंने, वहाँ पे आ चुके। और इस टाइप का यहाँ पे इतनी हरियाली और इतना बढ़िया सा खूबसूरत सा दिखता है। और ये है चारों तरफ से पार्क, इतना बढ़िया सा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे मानेसर के अंदर। और पीछे की जगह देखिए आप, पहाड़ कितना बढ़िया सा खूबसूरत से पहाड़ लग रहे हैं यहाँ पे।